तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानिए ढोर, माता पिता मनुष्य न जानिए, ये तीनों है नंद किशोर। तुलसी सिर्फ वृक्ष नहीं है और गाय सिर्फ जानवर ही नहीं है, माता पिता सिर्फ मनुष्य नहीं है, ये तीनों ही धरती पे परम ब्रह्म है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने लड्डू गोपाल कृष्णा चैनल में। आइए प्रारंभ करते हैं आज की अपनी सेवा। आज की सेवा में आपको माधव जी का स्नान श्रृंगार तो देखने को मिलेगा, साथ साथ आप सभी लोगों के साथ एक छोटी सी चर्चा होगी कि जो हम लोगों को पूजा के ये फूल होते हैं जो मंदिर से मिलते हैं या जो हम लोगों के घर में इतने उनके स्नान में उनके श्रृंगार में जो फूलों का प्रयोग होता है, उन सब फूलों का हम क्या करें, क्योंकि उन फूलों को फेंक नहीं सकते, तो उनका क्या करना है। और जो स्नान का जल होता है, जैसे गर्मियाँ है तो जल ज़्यादा हो जाता है, तो उसका अब हमें क्या करना है। वो भी ऐसा होता है कि उसको आप कहीं भी फेंक नहीं सकते, तो उस जल का आपको क्या करना है और पूजा के फूलों का क्या करेंगे। और भी एक छोटी सी चर्चा है, और हम सब लोग गर्मियों में अपने लड्डू गोपाल जी को किस तरह का भोग लगाएं, इन सभी विषयों में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए, आप सभी ने देखा ही होगा कि माधव जी के स्नान में फूलों का प्रयोग अधिक होता है, तो मैं इन फूलों का क्या करती हूँ, और स्नान का जल भी अत्यधिक हो जाता है तो उसका क्या करती हूँ। ये सब जानकर आप सभी भी अपने अपने लड्डू गोपाल जी को इन गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा जी भर के फूलों से नहला सकते हैं, जल से नहला सकते हैं उन्हें। और फिर इनका क्या करना है इसके विषय में जब बता दूंगी तो आप सब भी इनका सदुपयोग ही करेंगे। अब गर्मियां हैं तो माधव जी को भी ज़्यादा जल से स्नान करना अच्छा लगता है, इसलिए मैं रोज़ तो इतने ज़्यादा जल से स्नान नहीं कराती हूँ, लेकिन हाँ दो दिन में एक बार उनको अच्छे से स्नान कराती हूँ जैसे वे चाहते हैं। तो क्योंकि आप जल फेंक नहीं सकते, तो जल को पेड़ पौधों में भी एक सीमा तक ही उपयोग में ला सकते हैं, और इतना तो जल ग्रहण भी नहीं कर सकते, इसलिए मैं इनको दो दिन में एक बार इतनी ज़्यादा जल से और उनको जी भर के स्नान कराती हूँ। तो चलिए जानते हैं कि हम फूलों का क्या करेंगे और जल का क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जो स्नान का जल होता है उसका क्या करते हैं। तो देखिए, जल फेंक नहीं सकते, इतना ग्रहण भी नहीं कर सकते, और ग्रहण इसलिए भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो चंदन का लगा होता है और इसलिए नहीं उसको ग्रहण कर सकते। तो एक काम करना है कि जो भी जल होता है, जैसे आपने ज़्यादा जल, जैसे मैं करती हूँ ना ज़्यादा जल हो जाता है, तो उसको एक जग में या किसी बड़े बर्तन में या बॉटल में भर के रख लेती हूँ। जितना पौधों को ज़रूरत होती है सुबह शाम में, उतना मैं दे देती हूँ, क्योंकि माधव जी के घर में बहुत ज़्यादा पौधे नहीं हैं, एक दो पौधे ऐसे ही हैं, बाकी मेरे यहाँ तुलसी जी ही हैं, तो मैं उनमें ही इनका जल देती हूँ। तो वो एक सीमा तक ही दे सकते हैं ना, हद से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, तो सुबह शाम उस जल को मैं पौधों में देती हूँ। वो एक दिन चलता है, दूसरे दिन चलता है, उसके बाद तीसरे दिन ख़त्म हो चुका होता है, तब तक माधव जी का फिर स्नान हो जाता है। तो इस तरह से जल बर्बाद भी नहीं होता, पौधों को भी समय समय पे जल मिल जाता है, तो इससे पौधे भी खुश और हमारे माधव जी को भी स्नान करने को खूब ढेर सारा मिलता है, तो वो भी खुश रहते हैं। तो इन गर्मियों में आप भी अपने लल्ला को खूब ढेर सारे जल से स्नान कराएं, दूध से स्नान कराएं, कभी चंदन से स्नान करा दें, किसी दिन दही से करा दें, किसी दिन आप उनको पंचामृत स्नान करा दें। इस तरह से आप उनके बदल बदल के हर दिन स्नान कराते रहें, और ऐसे ही जल का प्रयोग अपने पेड़ पौधे में करेंगी तो आपके पेड़ पौधे भी स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, और आपके लल्ला भी बहुत खुश रहेंगे। तो अब जानेंगे कि इन फूलों का क्या करती हूँ, क्योंकि फूल भी ज़्यादा प्रयोग में होते हैं और फूलों को भी फेंकना नहीं है, ये भगवान पे चढ़े फूल होते हैं, इसलिए इनको तो कभी भी नहीं फेंकना चाहिए। और वैसे भी फूलों को तो आप बहुत तरह से प्रयोग में ला सकते हैं,
मैं कुछ प्रयोग ऐसे बताऊंगी जो मैं स्वयं से करती हूँ। मेरे घर में जो इतने फूल होते हैं, जो इतने ढेर सारे पुष्प मैं अपने माधव जी को अर्पित करती हूँ, तो उन सभी का मैं क्या करती हूँ मैं वो बताती हूँ। आप लोगों को भी इससे थोड़ी मदद मिलेगी और आप भी उन सबका अच्छे से प्रयोग कर पाएंगे। हमारे माधव जी को भी कितना आनंद आ रहा है स्नान करके, और फूलों के स्नान से खुशबू भी रहती है उनके आसपास। तो देखिए कितने प्यार से स्नान कर रहे हैं और उन्हें अच्छा भी लग रहा होगा, क्योंकि गर्मी है थोड़ा सा, तो इस मौसम में अच्छा भी लगता है। देखिए कितनी मनमोहक मुस्कान दे रहे हैं। अच्छा, आप सब भी अपने कान्हा जी के स्नान के समय थोड़ा सा एक ध्यान रखा करें कि उनको निवस्त्र होके कभी भी स्नान ना कराएं। उनके वस्त्र, कोई ना कोई एक वस्त्र उन्हें धारण ज़रूर करा दें, फिर उन्हें स्नान कराया करें। मैंने भी इस तरह से देखे वस्त्र बना रखे हैं उनके, तो मैं इनको पहना देती हूँ, कभी बिना वस्त्रों के स्नान नहीं कराती। देखिए इस तरह से आप उन्हें वस्त्र पहनाएं और फिर स्नान कराया करें, इस बात का ध्यान रखें। क्योंकि मैं देखती हूँ बहुत से लोग, क्या ज़्यादातर सभी लोग ये करते हैं कि उन्हें बिना वस्त्रों के ही स्नान कराते हैं। ऐसा ना स्वयं करें कभी, अपने लिए भी कभी नहीं करना चाहिए, और अपने प्रभु के, अपने लल्ला को भी कभी निवस्त्र ना स्नान कराएं। तो चलिए, तो आइए अब जानते हैं अपने माधव जी के स्नान के इन फूलों का मैं क्या करूँगी। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि इसमें जो मैं गुलाब के फूल प्रयोग में लाती हूँ, इनका क्या करती हूँ। तो इनकी जो गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ होती हैं, मैं उन्हें धुल के अच्छे से और एक अच्छे कपड़े पे, साफ़ कपड़े पे सुखा लेती हूँ, और उसके बाद इन्हें एक डिब्बे में बंद कर लेती हूँ। इनकी जो पत्तियाँ होती हैं, उन्हें आप सुखा के जब आप डिब्बे में बंद कर लेंगे तो वो कभी ख़राब नहीं होती। आप चाहें तो उन्हें पीस के एक उसका पाउडर बना लें और एक डिब्बे में बंद कर ले, उससे आप कभी भी अपना फेस पैक बनाती हैं तो उसमें प्रयोग में ला सकती हैं। तो अब गुलाब की पंखुड़ियों को दूसरे किस तरह से प्रयोग में लाएं, तो दूसरा ये है कि आप गुलाब की पंखुड़ियों को सुखा लें, और फिर कभी भी एक जब भी मेवे के लड्डू बनाएं तो मेवे के लड्डू में ऊपर से आप गुलाब की पंखुड़ियों की गार्निश करें, उसको देखने में भी अच्छा लगेगा, खाने में बहुत अच्छा स्वाद होगा, और उसकी जो खुशबू आएगी जब आप खाएंगे ना, तो उसकी खुशबू के साथ उसका जो स्वाद होता है ना, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे आप मेवे के लड्डू में उसका प्रयोग कर सकती हैं। अच्छा, आप अगर सुखा नहीं रही हैं तो एक काम करें, उसका गुलकंद बना लें। वो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि आप गुलकंद अगर बनाना चाहती हैं तो कैसे बनाएं। तो आप गुलाब की पंखुड़ियों से गुलकंद भी बना सकती हैं, लेकिन हाँ एक बात का ये ध्यान रखें कि जो इस तरह की पंखुड़ियाँ या जो फूल होंगे जो आपके कान्हा जी के स्नान के होंगे, उन फूलों का प्रयोग करके आप उन्हें भोग नहीं लगा सकते। आप स्वयं से ग्रहण कर सकती हैं लेकिन अपने कान्हा जी को भोग नहीं लगाएंगी, क्योंकि वो उनके स्नान का है, तो वो आपके लिए तो प्रसाद है। आप उसे प्रसाद रूप से अपने किसी भी मिठाई में या किसी भी खीर में या किसी चीज़ में भी गुलाब की पंखुड़ियों का प्रयोग करें, लेकिन अपने कान्हा जी को भोग उन गुलाब की पंखुड़ियों का ना लगाएं। हमारे माधव जी भी कितने खुश लग रहे हैं, हल्की सी मुस्कान देखिए इनके चेहरे पे आ रही है, और वैसे भी माधव जी पे पीले रंग के वस्त्र बहुत बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। आप कभी इस चीज़ को देखिएगा, किसी को अपने कान्हा जी पे हमेशा गुलाबी रंग के कपड़े अच्छे लगते होंगे, किसी को किसी दूसरे कलर के, सभी को अलग अलग रंग के अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो हमारे अपने भाव होते हैं, हमारे अपने कान्हा जी के एक भाव होते हैं जो हम लोगों के सामने होते हैं कि हाँ मैया मुझे ये रंग बहुत अच्छा लगता है, या ये मेरा पसंदीदा रंग है, ये होता है। इससे हम लोग जानते हैं कि हमारे कान्हा जी को कौन सा रंग अच्छा लगता है, क्या खाना अच्छा लगता है और कैसा श्रृंगार अच्छा लगता है। अच्छा चलिए, अब एक और तरीका मैं आपको बताती हूँ कि उससे भी आप कर सकते हैं। जैसे आप गुलाब की पंखुड़ियों को आप सुखा के जार में बंद कर लें, और प्यारे से सुंदर से एक किसी भी कांच के जार में जब रखेंगे ना, तो आप उसे सजावट के लिए भी प्रयोग में ला सकती हैं। अब आई बारी
बाकी सारे फूलों का क्या करना है, तो बाकी सारे फूलों को आप सुखा लें, जैसे गेंदे के हैं या जिस भी तरह के फूल हैं उन सभी को आप सुखा लें, और सुखा के आप एक डिब्बे में अच्छे से बंद करके रख दें। उन्हें समय समय पे आप अपने पौधों की मिट्टियों में मिलाती रहें तो वो खाद के रूप में काम करता है, या थोड़े से जैसे कभी खाद बना ली या थोड़े से फूल उसमें से सूखे निकाले और उनको मिक्सी में अच्छे से पीस लें, उसी में थोड़ा सा अपना जो भी सामग्री होती है सारी मिला के धूप बत्ती तैयार कर लें। आप अपने घर में अपने ही घर के फूलों से धूप बत्ती बना के उसका प्रयोग कर सकती हैं। बहुत से तरीके होते हैं फूलों का प्रयोग करने के लिए, तो मैं इनमें से क्या क्या करती हूँ, तो मैं फेस पैक भी बनाती हूँ, थोड़ी धूप बत्ती भी बनाती हूँ, गुलकंद बना के अपने खाने के प्रयोग में भी लाती हूँ और अपने पौधों में उसकी खाद भी बनाने की कोशिश करती हूँ। थोड़ा थोड़ा सा डालती रहती हूँ पौधों में तो खाद भी तैयार हो जाती है। ठीक है, करते करते माता जी का श्रृंगार भी हो रहा है, तो आशा करती हूँ आप सभी को इस चीज़ से बहुत मदद मिलेगी कि फूलों का कैसे प्रयोग करना है और जल का प्रयोग क्या करना है। माता जी का भी श्रृंगार हो रहा है और साथ में अब जानेंगे ना हम लोग कि अपने कान्हा जी को गर्मियों में भोग क्या क्या लगाएं, क्योंकि गर्मियां शुरू हो गई हैं, इनके भोग में भी परिवर्तन हो गया है। अब भोग थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए, गर्म भोग नहीं लगाएंगे, और क्या क्या भोग में लगा सकते हैं तो अब हम लोग आगे ये जानते हैं। तो सबसे पहले गर्मियों में पेय पदार्थों के बारे में बात करेंगे, तो पीने के लिए उनके लिए ठंडा पानी, आप मटके में भी पानी रख सकती हैं या छोटा सा उनके लिए मटका मिट्टी का लेके आएं, लेकिन हाँ मिट्टी का मटका जो भी लेके आएं तो थोड़ा सा आप पहले उसमें पानी भर के थोड़ी देर के लिए रख दें, उसके बाद उसमें से पानी एक गिलास में करके आप स्वयं पिए, आपको लगे कि वो पीने लायक है तभी फिर आप अपने कान्हा जी के लिए उसमें पानी रखें। क्योंकि अब जो चिकने और डिज़ाइनर वो सब मिलते हैं ना, तो उसमें कहीं ना कहीं केमिकल होता है, उसी से वो इतना बनाए जाते हैं, और जो साधारण ऐसे मिट्टी के मिलते हैं तो वो उसमें कभी कभी स्मेल सी होती है, गंदी महक आ रही होती है, तो इसलिए पहले आप उसका पी के देखें पानी, अगर आपको ठीक लगता है और सही है तब आप अपने कान्हा जी के लिए उसमें जल भर के रखें। क्योंकि देखिए आप जो आप ग्रहण कर सकते हो अपने कान्हा को सिर्फ वही ग्रहण कराएं। ठीक है, तो अब जानेंगे कि और क्या क्या चीज़ है, तो आप लस्सी पिला सकती हैं, आप उन्हें मतलब गर्मी बहुत है तो दोपहर में किसी टाइम आप उन्हें लस्सी दे दें, और ठंडा दूध पिलाएं उन्हें, गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। मैं गर्मियों में तो उन्हें गर्म या गुनगुना दूध नहीं देती हूँ, वो ठंडा दूध ही लेते हैं मेरे माधव जी, तो उन्हें ठंडे दूध में मिश्री इलायची या गुलकंद या गुलाब की पंखुड़ियाँ जो साफ़ रखी होती हैं अलग उनके लिए, वही दूध में डाल के मैं अपने माधव जी को उन्हें पीने के लिए देती हूँ। और आप छाछ दे सकते हैं खाने के साथ, आप उन्हें छाछ दें, कभी दही चीनी उनको दे दें, और कहते हैं कि उन्हें आप जूस भी दे सकती हैं, शेक बनाएं, बनाना शेक या कोई भी शेक, चीकू शेक, बनाना शेक और मैंगो शेक, इस तरह के शेक भी आपने अपने कान्हा जी को बना के पिलाएं तो उन्हें भी अच्छा लगेगा, नया नया रोज भोग अच्छा सा ठंडा ठंडा पीने को मिलेगा, तो इससे वो भी खुश रहेंगे। और देखो हमारे लल्ला, हमारे कान्हा जी, हमारे माधव जी कितने प्यारे लग रहे हैं, लग रहे हैं ना। मुख चंद्र की यह चांदनी नित कुंज में छाई रहे, छवि पाल मत चकोर अखिया देख बराई रहे। मुख चंद्र की यह चांदनी। तो चलिए माता जी का श्रृंगार देख के तो बस मन ही नहीं माना, क्या करूँ। तो आइए हम लोग भोग के विषय में बात कर रहे थे तो इसी में आगे बढ़ते हैं। उस तरह से शेक बना के तो आप पिलाएं, और रसीले फल जो भी मौसम के हों
वो सारे आप उन्हें खिलाएं अच्छे से। ठंडा शरबत दे सकती हैं, शरबत में आप शिकंजी बना लें, नींबू और चीनी की शिकंजी जो बनती है आप शिकंजी बना के उनको पिलाएं, या बेल का शरबत अच्छा होता है, ठंडा भी होता है, आप बेल का शरबत पिलाएं। कभी आप जैसे मैंगो शेक बना लिया तो कभी वो आमरस बना दिया उनके लिए, इस तरह की चीज़ें आप उन्हें फलों से बना के खिलाएं। कभी अपने फलों की सारी मिला के चाट बना दें, तो इस तरह से माता जी का अपने कान्हा जी का भी स्वाद बदलता रहेगा और उन्हें भोग भी लगता रहेगा। और साथ में भोजन आप उसी तरह से भोजन कराएंगी, लेकिन भोजन में साथ में उनके जैसे दही चीनी छाछ या लस्सी, इन सब चीज़ों में से कोई एक चीज़ ज़रूर होनी चाहिए। तो इस तरह से खाना उन्हें भी अच्छा लगेगा, जैसे गर्मियों में हम लोगों को अच्छा लगता है कुछ खाना, तो उसी तरह से उन्हें भी अच्छा लगता है। देखिए मेरे माधव जी का भी भोग लग गया है, तो भोग में मैंने पकौड़ी बनाई है और ये गुलकंद है। गुलकंद को मैं दही जैसे लस्सी बनाई और फिर मैं थोड़ा सा गुलकंद दही में डाल के और उसे चला दूँगी अच्छे से, तो इसका स्वाद इतना अच्छा इस लस्सी का होता है कि आप विश्वास नहीं करेंगी। आप जब पियेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि कितनी स्वादिष्ट लस्सी है, बहुत अच्छा स्वाद होता है इसका। तो मैंने अपने माधव जी के लिए फल काटे हैं, फल में मैंने सेब है और आम है और साथ में खरबूजा है, तो इस तरह से फलों का भोग माधव जी को लगेगा। लस्सी है, साथ में मैंने आलू की पकौड़ियाँ बनाई हैं अपने माधव जी के लिए और नारियल की चटनी, थोड़ा सा मूंगफली दाने मखाने, ये सब भी मैं अपने माधव जी के लिए भोग में रखूँगी। तो देखिए मैं उन्हें भोग लगा देती हूँ। कुछ भी भोग लगाते वक्त आप कुछ मंत्र जाप कर सकते हैं, उनके लिए प्यारा सा भजन गा सकते हैं, या अपने लल्ला से प्यारी प्यारी बातें करते जाएं और उन्हें भोग साथ में लगाते जाएं, तो भी आपके लल्ला उतनी खुशी से भोग लगाएंगे। जैसे बच्चे होते हैं ना छोटे, आप उनसे बातें करते रहें या उन्हें कुछ स्टोरी सुनाते रहें या गुनगुनाते रहें उनके साथ और उन्हें खाना खिलाते हैं, ठीक है, तो उसी तरह से आप अपने लल्ला के साथ भी करें, उनसे कुछ बातें करें, कुछ गुनगुनाएं और साथ ही साथ अपने लल्ला को प्यार से भोग लगाएं, तो देखिए कितनी प्यारी मुस्कुराहट के साथ भोग लगा लेते हैं। तो मैं भी अपने माधव जी को इसी तरह से प्यार से भोग लगाती हूँ, जैसे मन ही मन कुछ गुनगुना लिया, नहीं तो कभी अकेली हूँ तो गा लेती हूँ कुछ अपने लल्ला के लिए। कुछ कभी कभी उनसे जब भोग लगाती हूँ तो मैं अपने लल्ला से कुछ बातें कर लेती हूँ, तो ऐसा लगता ही नहीं है कि मेरे सामने भगवान बैठे हैं, मुझे तो लगता है मेरे लल्ला है, मेरा बेटा है, मेरा बच्चा है, मैं उससे बातें कर रही हूँ और वो मेरी बातें सुन रहे हैं और मुस्कुरा के, जैसे बच्चे मुस्कुरा देते हैं अपनी मैया को देख के, बस मुझे अपने माधव जी के साथ बस यही आभास होता है कि जैसे मेरे लल्ला मुझे देख के मुस्कुराते हैं और बस मन खुश हो जाता है इन्हें देख के। तो इस तरह से आप सब भी अपने कान्हा जी को अच्छा अच्छा भोग लगाएं और फलों का भोग लगाएं, ठंडे ठंडे पेय पदार्थ दें उनको, जैसे लस्सी छाछ ये सब चीज़ें दें और अच्छे से भोग लगाएं। अच्छा एक बात ना ध्यान रखिएगा कि जैसे बहुत से लोग ना अपने कान्हा जी को मिट्टी के बर्तनों में खाना खिलाते हैं, तो मिट्टी के बर्तन में खाना खिलाने से पहले आप बहुत सी चीज़ें सोच लें, समझ लें कि वो मिट्टी के बर्तन कैसे हैं। अगर आपको भी रोज़ मिट्टी के बर्तन में खाना दिया जाए या आप खाते हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि आप जैसे ही चीज़ों का प्रयोग करते हैं आप उन्हीं चीज़ों का प्रयोग अपने लल्ला के लिए करें। ऐसा नहीं कि आपने मिट्टी के बर्तन में उन्हें दिया फिर आप उसमें नहीं खा पा रही, थोड़ा सा निकाल लिया, वो फिर मिट्टी के बर्तन में नीचे जो लगा रहता है ना, आप उसको चम्मच से करेंगी तो वो मिट्टी भी मुँह में आएगी, तो मुँह में वो थोड़ा सा खिसक जाता है। इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि आप उन्हें स्टील के बर्तन में, इससे अच्छा है कि भोग जन दें, स्टील के बर्तन में भोग लगाएं। अगर आपके पास कोई भी बर्तन उपलब्ध नहीं है तो आप स्टील के बर्तन में आप उन्हें भोग लगा सकती हैं। देखिए जैसे पीतल के बर्तनों में भी भोग सब तरह का नहीं लगता, इसलिए सबसे अच्छा है कि आप स्टील में लगा दें, लेकिन मिट्टी के बर्तन के लिए सोच समझ लें।
आप सभी को आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। राधे राधे कहते रहें, हरि नाम जपते रहें।